subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। दोस्तों, शरियाम मुकर गई गौहर खान, इसके ऊपर सबूतों के साथ बात करते हैं। पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबाए और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, ग्रैंड प्रीमियर की रात को गौहर खान सलमान खान के सामने शरेआम मुकर गई सभी चीजों से, सभी जो ट्विटर के ऊपर उन्होंने ट्वीट किए हुए थे तो सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ, वो ट्वीट सभी के सभी ट्वीट्स के लिए वो मुकर गई। सबसे पहला ट्वीट तो दिखाया गया कि जो सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में सलमान खान ने कहा कि पहली बात तो यह है कि गौहर खान के पांव तले जमीन खिसक गई, उनको नहीं पता था कि भैया के एक दिन ऐसा आएगा कि आमने सामने खड़े होके सामने सलमान खान दिखा देंगे कि भाई ये ट्वीट तुमने किए थे। तो जब पहला ट्वीट आता है कि गली का गुंडा और खाने की तमीज नहीं, ऐसी चीजें सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में गौहर खान ने ट्वीट करके लिखी थी, तो जो कि हम सभी को पता है कि क्योंकि गौहर खान आसिम रियाज को सपोर्ट कर रही थी, इसके लिए गौहर खान ने एक मुहिम चलाई हुई थी सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ उन दिनों ट्विटर के ऊपर। आप सभी ट्विटर पे जाके पुराने गौहर खान के ट्वीट अभी भी वहां पे होंगे आई होप के, वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे वो बोले कि नहीं, मैंने कहा नहीं है, जबकि हम सभी को पता है कि गुंडा शब्द एक का एक ही बंदा है जो सिद्धार्थ शुक्ला, जिसके लिए बिग बॉस के घर में इस्तेमाल किया जाता था, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया था रश्मि देसाई ने, तो इसी को कैच करके यही वहां पे लिखा था। फिर उसके बाद जो है शिल्पा शिंदे की एक वीडियो, वो भी गौहर खान ने काफी शेयर की थी, उसके ऊपर भी गौहर खान ने सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ बोला था। तो दूसरा फिर सलमान खान ट्वीट दिखाते हैं, तो आपको याद होगा कि बिंदु दारा सिंह सिद्धार्थ शुक्ला को कह के गए थे कि तू तो पहाड़ है, पहाड़ है पहाड़, तेरे को ब्रेक करना, तोड़ना, सरपास करना बड़ा मुश्किल है। तो वो बिंदु दारा सिंह ने जब तारीफ की तब पड़पड़ा गई, तिल मिला गई थी बाहर बैठी आसिम रियाज की सपोर्टर गौहर खान। तो गौहर खान ने वहां पे ट्वीट किया कि एक पहाड़ जैसा आदमी पोक 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 करता है। तो गौहर खान बोली, नहीं नहीं, ये सिद्धार्थ शुक्ला के लिए नहीं था, ये तो सभी के लिए था जो पोक करते, ऑल पोकिंग। तो ये शरेआम सिद्धार्थ शुक्ला के लिए लिखा था उन्होंने, लेकिन यहां पे भी गौहर खान मुकर गई। क्यों मुकर गई दोस्तों? क्योंकि जैसे कहते हैं कि समंदर में रह के मगरमच्छ से पैर मोल नहीं लिया जाता, तो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ गौहर खान को पता है कि अब 14 दिन घर के अंदर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ ही व्यतीत कर रहे हैं, और जो है गौहर खान को नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा, ऐसी स्टेज आएगी, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, तो वो संभाल नहीं पाई। लेकिन यहाँ पे अगर गौहर खान कहती कि हाँ यस मैंने कहा था, तब मुझे मेरे ये विचार थे, मेरे को लगता था ऐसा। फिर गौहर खान ने एक और झूठ बोला कि मैं आसिम रियाज की सपोर्टर नहीं हूं, ये मत सोचना कि इसके लिए मैंने लिखा, क्योंकि मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगती है। और एक और फिर तीसरा चौथा झूठ गौहर खान का जो सलमान खान ने पकड़ा, गौहर खान ने कहा कि मैंने हमेशा शो की रिस्पेक्ट किया है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि शो से मैं शो छोड़ दूंगी, मुझे निकाल दो। तो आपको याद होगा सलमान खान ने कहा कि आप तो छोड़ भी गई थी शो, आपने कहा था। गौहर खान ने ये शो छोड़ दिया था, वो वापस आई एक दिन के बाद किसी कंटेस्टेंट के लिए, उसने की स्पोर्ट में गौहर खान ने छोड़ दिया था। तो ये खैर बाद में बातें मजाक मस्ती में चली गई, लेकिन ये है कि सच्चाई का दावा करने वाली गौहर खान को बिग बॉस के घर में, यहाँ पे अगर वो सच बोलती, सच का सामना करती ब्रेवली बहादुरी के साथ, तो ज्यादा अच्छा लगता। अब देखना ये होगा कि अंदर जाके तो इन दोनों बाकी शेर खान यानी के हिना खान और जो रियल लाइन सिद्धार्थ शुक्ला शेर के साथ कैसे अंदर गौहर खान व्यतीत करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आप क्या कहते हैं उसके बारे में वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद।